નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો આજે ધોરણ સાતની અંદર હિન્દી વિષય છે જેની અંદર વાર્ષિક પરીક્ષા બે હજાર વીસનું ત્રીસ ત્રણ બે હજાર વીસના રોજ પેપર લેવાયેલું એમનું એંસી માર્કનું પેપર છે એનું પેપર સોલ્યુશન જોઈશું તો વિડીયો ગમે તો લાઇક કરજો કોમેન્ટ કરજો અને શેર કરજો સાથે જોતા રહેજો આ વિડીયો અને સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો ચેનલને જેથી કરી નવા નવા વિડીયોઝની અપડેટ તમને મળતી રહે વાત કરીએ એમાં પ્રશ્ન પહેલો હોવા છે એમાં વિકલ્પની વાત કરવાની છે પહેલો વિકલ્પ છે શબ્દકોષ કે ક્રમ અનુસાર દૂસરે ક્રમ મેં કોણસા શબ્દ આવે ગા બરાબર તેમાં બીજા ક્રમ ઉપર ગર્વ શબ્દ છે આવશે બીજું છે શબ્દકોશ ક્રમ કે અનુસાર સહી વિકલ્પ ચૂનીએ તો કલમ ખળિયા પ્રમાણે ને સ્વર અને વ્યંજન અ એ પ્રમાણે આપણે જોઈએ તો અ વાળા જે શબ્દ એ પહેલાં આવશે એમાં આધાર આશ્રય ગગન અને પ્રકાશ એવી રીતના શબ્દક્રમ થશે પછી ત્રીજું છે એમાં દિનેશને બહુ જ મીઠાઈ ખાઈ વાક્ય મેં કોણ સા શબ્દ વિશેષણે બહુ જ છે એ વિશેષણ શબ્દ છે પછી ચોથું છે એમાં ગૌરવ તીસરી કક્ષામાં પડતા એ વાક્યમે રેખાંકિત શબ્દ વિશેષણ કા પ્રકાર હે તો ત્રીજી છે નિશ્ચિત સંખ્યાવાચક વિશેષણ છે પછી પાંચમું છેમાં પૂરી ટીમ કિસે ઢૂંડને મેં લગ ગઈ તો કપ્તાન કો ઢૂંને મેં લગ ગઈ પછી છઠ્ઠું છે એની અંદર સુનો મેરા હીરા गा रहा है वाक्य कौन बोलता है तो के पहली स्त्री बोलती है पची धरती की शान कव्य के कवि कौन है यहाँ पंडित भरत व्यास जी आठवू जमा कल आने के चक्कर में इस मोहल्ले में मेरे लाखों रुपये फंसे हैं यह वाक्य कौन बोलता है माँ से भिखारी पची ब प्रश्नों के उत्तर वाक्य में लिखिए कि दो कोई पर बे लखवा बेटी तितली बनकर क्या करना चाहती है बराबर तो बेटी तितली बनकर बागों में घूमे गुमें, घूमेगी और हवा को चूमेंगी और मस्त बनकर नाचेगी और गाएगी પછી બીજો છે મનુષ્ય કી મુઠ્ઠીઓ મેં ક્યાં બન્ધે મનુષ્ય કી મુઠ્ઠીઓ મેં તુફાન બન્ધે રિજુ છેમાં બડે હોકર આપ ક્યાં બનના ચાહેગે તો બડે હોકર આપ શિક્ષક બનના ચાહેતે બરાબર અમા કોઈ પણ તમે લખી શકો પછી કો છે એની અંદર संक्षिप्त में उत्तर दीजिए दो बराबर तो आज प्रश्न इतना प्रश्नचार लग्न जवाब बेटी तितली बनकर क्या करना चाहती है बेटी तितली बनकर बागों में घूमेगी और हवा को चूमेगी वह मस्त होकर नाचेगी और गाएगी इस तरह तितली बनकर बेटी जीवन की स्वतंत्रता का आनंद लेना चाहती है बीजू जीत तो मनुष्य की मुठ्ठियों में क्या बंधे मनुष्य की मुठ्ठियों में तूफ़ान बंधे और बड़े होकर आप क्या बनना चाहते हैं तो बड़े होकर आप फौजी बनना चाहते हैं तो फौजी बनना चाहते हैं लिख सकते हैं और शिक्षक बनना चाहते हैं कोई भी आप व्यवसाय जिसको आप पसंद करते हो आप लिख सकते हैं कौन अंदर से हजरत अली ने एक मोमबत्ती बुझा कर दूसरी मोमबत्ती क्यों जलाई तो हज़रत अली राज का काम कर रहे थे इसलिए उन्होंने राज की मोमबत्ती जला रखी थी जब उन्होंने निजी काम शुरू किया तो वह मोमबत्ती बुझा कर उन्होंने अपनी मोमबत्ती जलाई इस प्रकार चोरी और हराम से बचने के लिए हजरत अली ने दूसरी मोमबत्ती चलाई अच्छी बीजू क्षेमा चौथी स्त्री ने अपने बेटे का परिचय कैसे दिया तो चौथी स्त्री ने कहा कि मेरा बेटा तो एक साधारण लड़का है वह न तो गंधर्व सा गायक है न भीम सा बलवान और न बृहस्पति सा बुद्धिमान इस तरह अपने बेटे का परिचय दिया જે ત્રીજી છેમાં આપકો મનપસંદ એક ચુટકુલા લખીયા એમાં નોકર છે બરોબર નોકર જે એમ કે માલિક ને કે છે માલિક આપ એકસાથ દો દો રોટિયા કેમ ખાતે માલિક કે છે ડોક્ટર ને મુજે ડબલ રોટી ખાને કો કહા હે ઓ કોઈ પણ વાક્ય છે તમે જે ચુટકુલા વાળું હોય એ લખી શકો છો બરોબર પછી પ્રશ્ન બીજો હો છે ની અંદર બેટી કી કયા કયા તમન્નાય હે तो बेटी तारा बनना चाहती है वह धरती पर चांद की तरह चमकना चाहती है उसकी इच्छा दुनिया रूपी बाग में खिल खिलने वाला फूल बने बनने की है वह तितली बनकर हवा को चूमना चाहती है इस तरह की बेटी के दिल में कई तरह की तमन्नाएँ है बीजू में मनुष्य क्या, क्या क्या कर सकता है तो मनुष्य पहाड़ों को तोड़ तोड़ सकता है वह नदियों के बहाव मोड़ सकता है वह मिट्टी से अमृत निकाल सकता है वह धरती और आकाश को एक कर सकता है इस तरह मनुष्य असंभव लगने वाले काम भी कर सकता है ये वो किन्हीं दो हम ये सब देख चुके हैं हजरत अली ने मोमबत्ती बुझा कर दूसरी मोमबत्ती क्यों चलाई चौथी स्त्री ने अपने बेटे का परिचय कैसे दिया और आपको मनपसंद एक चुटकुला लिखिए इसके बारे में हमने ये भी डिस्कशन कर ली है और प्रश्न दूसरा अ है उसमें भी संक्षिप्त में उत्तर देने के भाई हमें जो जवाब है वो देख लिए है बेटी की क्या क्या तमन्नाएं तो है मनुष्य क्या क्या कर सकता है तू जो चाहता है चाहे पर्वत पहाड़ को फोड़ दे तू जो चाहे नदियों को मोक मोड़ दे काम्यों पंक्ति का भाव समझे इनमें से नहीं दो ही संक्षिप्त में लिखने हैं और ब है वो ढांचे पर से कहानी लिखने का है उसके जो पॉइंट है वो पॉइंट क्या क्या है हम देख लेते हैं एक कुत्ता है मुँह में रोटी का टुकड़ा छोटे पुल पर से जाना पानी में अपनी परछाई देखना परछाई को दूसरा कुत्ता समझना रोटी का टुकड़ा छीन लेने के लिए फूकना अपना टुकड़ा गवाना और सीख क्या मिलती है और बाद में संक्षिप्त में उत्तर लिखना है ठीक है तो हम ब वाला जो प्रश्न है उसका आंसर देख लेते हैं कैसे लिखना है तो ढांचे पर से कहानी लिखी है ब है उसमें एक कुत्ता था वह अपने मुंह में रोटी का टुकड़ा लेकर जा रहा था और छोटे पुल पर से जब पसार हो रहा था तब उ, उसने अपनी परछाई पानी में देखी और उसको लगा कि सामने कोई और कुत्ता है ऐसा समझने लगा और वह देखकर कुत्ता भौंकने लगा और उसके मुंह में जो रोटी का टुकड़ा था वो गिर गया उस तरह कुत्ता ने अपना टुकड़ा भी गंवाना पड़ा तो सीखे कि दूसरों को देखकर कभी डरना नहीं चाहिए बाद में क है उसमें प्रश्न था डॉक्टर कलाम ने ईमेल से हमें क्या सीख दी थी दी है तो डॉक्टर कलाम ने डॉक्टर कलाम कहते हैं कि हम सरकार चुनने के लिए मतदान करके निश्चिंत न हो जाए हम ऐसा ना सोचे कि अब हमारी सारी जिम्मेदारियां चुनी गई चुनी हुई सरकार उठाएगी हमारे सारे काम सरकार करेगी हमें रदी कागज़ भी कूड़ेदान में डालने की तकलीफ नहीं उठानी है सामाजिक समस्याओं के बारे में भी हम अपना स्वार्थी व्यक्त बाहर से दहेज का विरोध कर चुके चुपके से दहेज ले लेना बहुत ही गलत बात है इस प्रकार इस ईमेल से डॉक्टर कलाम ने हमें एक सच्चे नागरिक के रूप में अपनी जमींदारियाँ निभाने की सीख दी है बीजो से हमने अंदर कष्ट होने पर भी मालवजी शिवाजी के पास क्यों नहीं गई मालवजी के पिता शिवाजी की सेना में सिपाही थे युद्ध में लड़ते हुए उनकी मृत्यु हो गई थी मालवाजी मानते थे कि जिस वीर सैनिक के देश की रक्षा के लिए अपने प्राण दिए उसके परिवार की चिंता करना शिवाजी का कर्तव्य था यह सोचकर कष्ट होने पर भी मालोजी शिवाजी के पास नहीं गए तो ये भी प्रश्न लखवाना बराबर चार पक्षी नो जो डे म दिए गए वाक्य में शब्द चुनकर नए वाक्य वक्य बनाई ना बे मार्क है काजल ने देखा कि बिल्ली कुर्सी के नीचे बैठकर रोटी खा रही है उदाहरण में आप बिल्ली कुर्सी के नीचे है बराबर एम ते बीजा लखी सको कि बिल्ली रोटी खा रही है और काजल ने बिल्ली को देखा प्रश्न तीजो आवाज सूचना अनुसार लखा है बराबर सामना शब्द देख देखकर मूल शब्द का वाक्य में प्रयोग कीजिए તો રવૈયા અને મિશાલ એ બે મી ઉદાહરણ છે બરાબર એમાં આપણે જોઈ લઈએ રવૈયા માટેનો વાક્ય પ્રયોગ કરીએ ટીનાકો મમ્મીને બહુ જ સમજાયા લેકિન ઉષને ઉસકા રવૈયા નહીં બદલા મેરે ગામ મેં સીતાઓ ગીતા દો બહેનો કે પ્રેમ કી લોગ મિશાલ દેતે આવી રીતના બે શબ્દના આધારે બરાબર વાક્યને પ્રયોગ કરવાનો છે बीजु में विरुद्धाती शब्द देखकर मूल शब्द का प्रयोग में उपयोग कीजिए तो विष साप के विष से जन जान जा सकती है अमृत न शूँ जाए विष जाए बराबर और -बर। वरदान में थी जाए अभिशाप थे जाए कोरोना बीमारी मानव जात के लिए एक अभिशाप है पर तीजा प्रश्न है मुहावरे का अर्थ देखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए पेलो एम प्राण ओछावर करना तो जीवन समर्पित करना अपने पाँव पर चलना आत्मनिर्भर बनना लाखों में एक होना विशिष्ट होना चौथा प्रश्न कहावत का अर्थ दीजिए दो कि नहीं है खुदा पहाड़ निकली चुहिया अधिक मेहनत पर लाभ कम जिसकी लाठी उसकी भैंस शक्तिशाली जो है उसकी जीत होती है दूसरे के ढोल सुहा दूर से ही हर चीज अच्छी लगती है आज ना कहवत ना अर्थ है लखवा है बराबर सूचना अनुसार वक्य है यु लिंग परिवर्तन बराबर लड़का अपने घर गया लड़की अपने घर गई लड़का शूँ थी जाए लड़की थी जैसे हिरन दौड़ रहा है हिरनी दौड़ रही है बराबर आ रीतना लिंग परिवर्तन करने वचन परिवर्तन करके वाक्य फिर से लिखिए घोड़ा दौड़ रहा है घोड़े दौड़ रहे हैं मैं आज स्कूल नहीं गया हम आज स्कूल नहीं गए आ रीतना वचन परिवर्तन कर है पच्ची परिच्छेद है ना मातृभाषा में अनुवाद करवा है एट के फोकरा न गुजराती में अनुवाद करवा है पुत्र जिस प्रकार तुम अपनी माता के दुख से दुखी हो व्याकुल हो रहे हो उसी प्रकार मैं भी दुखी हूँ रात दिन में इसी चिंता में रहता हो कि की किस प्रकार भारत माता का दुख दूर करूँ महाराज ये शरीर आपका है मैं कभी मातृभूमि की सेवा में सेवा से पीछे न हटुका તો જવાબ લખી શકો કે પુત્ર જે રીતે તું તમારી માતાનો દુઃખ જોઈને દુઃખી થઈ રહ્યો છે તે જ રીતે હું પણ દુઃખી છું રાત દિવસ હું રોજ ચિંતા કરું છું કે કેવી રીતે ભારત માતાનો દુઃખ દૂર કરું મહારાજ આ તમા શરીર તમારું છે હું ક્યારેય માતૃભૂમિની સેવામાંથી પાછળ નહીં હતું ત્યાર પછી જેમાં પ્રશ્ન ચોથામાં જન્મદિન કે બચાવી દે તે હું એ આપણે મિત્રકો પત્ર લિખીએ તો પત્ર લખવાનો છે કઈ રીતે લખવાનો છે पहला एड्रेस है बराबर धारो पच्चीस लक्ष्मी मंगल गोमतीपुर अमदाबाद पड़ सौ ऐसी जीरो एकवीस चौदह नवम्बर बेहजार तेरह प्रिय मित्र सुदीप सप्रेम नमस्ते सत्रह नवंबर को तुम्हारा जन्मदिन है तुम्हें मेरी खूब खूब बधाइयाँ मित्र मुझे तुम्हारे जन्मदिन की पार्टी का निमंत्रण मिल रहा निमंत्रण पत्र मिला है उसमें यदि मैं शामिल होता हूँ हो। तो यह मेरे लिए बड़ी खुशी की बात होगी परंतु उसी दिन मेरी बुआ के बेटे की शादी है पूरा परिवार उसमें शामिल होगा सबके साथ मुझे भी जाना पड़ेगा इसलिए मैं तुम्हारी पार्टी में ना नहीं आ सकूंगा, आशा है तुम मुझे माफ़ कर दे कर दूंगे, बराबर एक बार फिर बधाई तुम्हारा मित्र कई नाम हो बराबर आ रीतना पत्र है लखवा है बराबर पची ब अनुसार लखवा है बराबर जेमा पहलू पदों को उचित क्रम में रखकर अर्थपूर्ण वाक्य बनाइए क्या तुम्हारे फिर मन में बात थी और फिर तुम्हारे मन में क्या बात थी क्वेश्चन मार्क बीजे से देखते दृष्टि से प्रेम शिवाजी और उसकी रहे शिवाजी उसकी ओर प्रेम दृष्टि से देखते रहे बीजो शब्दों को हिंदी में लिखी बराबर एम हिंदी अंदर शब्द है लखवा थे हक तो आता हक लखे जकात एट चुंगी हस्ताक्षर एट्ले दस्तखत रोकड़ा एट्ले नकद बराबर आ रीतना हिंदी शब्द थाय त्यार पीछे जे तीजू एम काल परिवर्तन करके फिर से लिखिए एम मंदिर में पूजा होगी छे मंदिर में पूजा हो गई अथवा तो हुई मैंने पढ़ाई की वर्तमान काल फेर में फेरवा मैं पढ़ाई करता हूँ अथवा तो कर रहा हूँ पची वाक्य को शुद्ध रूप से लिखिए क प्रश्न है चेना, चार मार्क है लड़की खेल रहा है तो लड़की खेल रही है एम थ से મેર ઘર ચાર પંખા હે તો મેરે ઘર ચાર પંખે હે મેને ટિકિટ ખરીદી મેને ટિકિટ ખરીદા નીતા રાત દિન પડતા હે નીતા રાત દિન પડતી હે આ રિતના વાક્ય સુધર રૂપ માં ફેરવવાનો છે પછી પાંચમો આવો છે બરાબર અત્યારે જોયા આ બધા ચોથો પ્રશ્નનો અ અને ક જોયા હવે જે આવશે પાંચમો છે पाठशाला કી સમસ્યાની પટકા પ્રશ્નો કે ઉત્તર લખી એમાં 4 માર્ક છે कौन से विषय का तास हर रोज आता है तो गुजराती विषय का तास हर रोज आता है कौन सा विषय का तास सप्ताह में एक ही बार आता है तो शारीरिक शिक्षण का तास है वो सप्ताह में एक ही बार आता है सप्ताह में चित्र कितने मिनट बढ़ाया जाता है सप्ताह में चित्र में सितर मिनट तक बढ़ाया जाता है चित्र का तास कौन कौन से दिन आता है चित्र का तास शुक्रवार और शनिवार को आता है ठीक है आ रीतना प्रश्न जवाब से लखी नाखा कोष्टक पर बराबर त्यार पी किसी एक विषय के बारे में सौ शब्दों में निबंध लिखिए बराबर देश के प्रति मेरा कर्तव्य दहेज एक दूषण यदि आप गांव के सरपंच बने तो आप लिखिए यदि आप गांव के सरपंच बने तो मैं सरपंच बनने के नाते सभी लोगों से समानता का व्यवहार करता क्षेत्र या गांव में जाति जातिवाद ऊंच नीच की भावना को कम करने की पूरी पूरी कोशिश करता पंचायत के क्षेत्र में विकास के लिए योजनाएं बनाता तथा जिला विकास अधिकारी से उसे अनुमोदित करवाता फिर विकास का कार्य प्रारंभ करने में अपनी अग्रणी भूमिका निभाता। सरपंच होने के नाते अपने क्षेत्र या गांव में विद्यालय और राजकीय अस्पताल खुलवाता पीने का पानी की उचित व्यवस्था करता साथ ही जलमल निकासी की व्यवस्था सुलभ शौचालय एवं सफाई आदि सुविधाओं का विकास करने की कोशिश करता असहाय निर्धन लोगों को आर्थिक सहायता दिलवाता सरकार द्वारा चलाई કાર યોજનાઓ કઈમાનદરી કે સાથ સંચાલન કરવાતા દયેચ્છ પ્રતાવોર બાલવિયો આદી પર રોક લગવાને કી પુરે પુરી કોશિશ કરતા તારિતના નિબંધ છે તમે લખી શકો છો બરોબર અને ત્યાર પછી ક છે માં ચિત્ર દેખકર આઠ વાક્ય લખીએ જેના 4 માર્ક છે ચિત્ર જોઈને આના આઠ વાક્ય લખવાના છે બરોબર તેના જવાબ આ રીતે લખવાનો છે દો બાળક ખેલ રહે છે ચિત્ર મેં કઈ سارے પેડ દેખ રહે છે गाय घास खा रही है पेड़ में आम लगे हुए दिख रहे हैं, सूरज ढलता हुआ दिख रहा है चित्र में एक आदमी कुछ काम कर रहा है एक महिला घास लेकर अपने घर की ओर जा रही है कई सारे पक्षी दाना चुग रहे हैं, चित्र के बीच में एक कुआं दिख रहा है इतना कोई पन तो आ रीतना ते कोईपण वाक्य चित्रमा बनाई सको तो आखू पेपर सोल्यूशन है बराबर एना द्वारा त्याल आ प्रकार प्रश्न पूछा चाहिए तो સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો ચેનલને જેથી કંઈને નવા 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 વિડીયો જે કંઈ મુકાય છે તમને ખ્યાલ આવતા રહે સાથે નોટિફિકેશન આવી જાય એ પણ ફ્રી ઓફ છે જો વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઇક કરજો કોમેન્ટ કરજો ને શેર કરજો બીજા વિદ્યાર્થીને જેથી એ પણ જોઈ લે વિડીયો બરાબર અને એને પણ ખ્યાલ આવે કે આ પ્રકારના પ્રશ્ન પૂછાણા છે તો જોતા રહીજો વિડીયો જ્ઞાનમાં વધારો કરતા રહીજો થેન્ક યુ વેરી મચ ટેક કેર